छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी एक बानगी आप समेली प्रखंड की छोहार पंचायत के वार्ड नंबर 9 दोलंगी में देख सकते हैं। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 69 है, लेकिन यह आंगनबाड़ी केंद्र हमेशा बंद रहता है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में ना तो सेविका आती है और ना ही सहायिका। हमेशा इस आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लटकता रहता है, जिसके कारण ना तो बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त होती है और ना ही पोषाहार। इस आंगनबाड़ी केंद्र की सबसे खास बात यह है कि आंगनबाड़ी केंद्र के इस स्थिति के बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारियों को भी जानकारी है, लेकिन सभी अधिकारी मौन बैठे हैं। ना तो इन अधिकारियों ने सेविका के विरुद्ध कोई कार्रवाई की और ना ही सहायिका के विरुद्ध। अधिकारियों की अनदेखी का खामियाजा ननिहालों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के लोग सड़क, शिक्षा व अन्य सरकारी लाभों से पूरी तरीके से वंचित रहते हैं। ऐसे में उनके बच्चों को शिक्षा भी अब प्राप्त नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि यह आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ नाम मात्र का ही है। यहाँ ना तो आंगनबाड़ी केंद्र का वोट लगा है और ना ही सेविका और सहायिका का नाम ही अंकित है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक अधिकारियों की नजर इस आंगनबाड़ी केंद्र पर पड़ती है और बच्चों का भविष्य सुधर पाता है। मैं इस वक्त छोहार पंचायत के दोलंगी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में हूँ और यहाँ के ग्रामीण का कहना है ये आंगनबाड़ी कभी खुलता ही नहीं है और यहाँ का स्थिति देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आंगनबाड़ी कितने दिनों से नहीं खुला होगा और बच्चे का भविष्य क्या होगा। आइए जानते हैं यहाँ के बच्चों का क्या कहना है। कब कब खुलता है? छह महीना में एक बार। मैडम कब कब आती है? राशन वगैरह देती है? राशन जल्दी नहीं मिलेगा, जल्दी नहीं मिलता। ड्रेस वगैरह बच्चा सबको के टाइम में बकरी चरा रहा है? आंगनबाड़ी खुलता नहीं, आंगनबाड़ी नहीं खुलता है, इसीलिए बकरी चराता है। क्या नाम है? कौन सा आंगनबाड़ी में पड़ता है? पीपरगाछी। कौन सा जगह है, कौन सा गांव है? आंगनबाड़ी वाली मैडम का क्या नाम है? नहीं जानता है। आंगनबाड़ी वाली मैडम आती है पढ़ाने के लिए? हाँ। नहीं आती है। कब कब आती है कुछ भी नहीं पता? कहियो कहियो आवे छी, पढ़वे नहीं छी। पढ़ाते नहीं है, खाली घूमने आती है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? श्याराम कुमार। मैडम आती है यहाँ पढ़ाने के? कभी नहीं आती है। नहीं। तुम लोग कहाँ पढ़ती हो? तुम लोग पढ़ती है? राशन मिलता है आंगनबाड़ी में? राशन मिलता है? नहीं मिलता है। ड्रेस वगैरह नहीं मिलता है? मैडम कब कब आती है? ना आती। क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू कुमारी। कब आती है यहाँ पे? एक दो महीना वो नहीं आती है। तो क्या सब बोलती है? बोले कि आंगनबाड़ी उठ गए चतरा को। और यहाँ क्या करने आती है? यहाँ कल के खाली चावल दे, वो चावल दे महीना महीना आती है? ना कभी कभी आती है। बच्चे सबको पढ़ाती है? ना। क्या नाम है आंगनबाड़ी वाली को? रुचि देवी। आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे आंगनबाड़ी अच्छे से चले? अच्छा से चलते तो है ना। बोली थी यहाँ से ठीक लेंगे। कब बोली थी? अब बहुत दिन हो। अभी यहाँ पे आती है? कहाँ गया आंगनबाड़ी? ने बताई कि कहाँ गया? चतरा को निकल। यहाँ से आंगनबाड़ी उठ के चतरा का नहीं चल गया, यही बताई? हाँ। आपको कुछ ना कुछ ना कहियो ना अपने स्वयं करके पैसा उठबे त कहियो ना खाली 26 जनवरी आबे ओ नै एलो छै। 26 जनवरी में झंडा भी नै फरै छै? 26 जनवरी में झंडा नै फरै छै यहाँ? ना ना यानी मातृत्व अवकाश या धात्री गर्भधात्री सब किसी चीज को टीकाकरण के लिए दीदी लोग को का जरूरी बताया तो 10 वार्ड जाते हैं। हाँ। दूसरे केंद्र पर जाके कराना भुला के ले जाती है, वहाँ से आते हैं, दूसरे केंद्र में जाके दिलाती है ठाकुर के द्वारे की वजह से जाती है। लेकिन ये जो डेली जो है आंगनबाड़ी केंद्र खुलता नहीं है या सेविका नहीं, साल भर से मतलब यहाँ रहवे नहीं करती है? साल भर से नहीं रहते हैं। उसके बाद पहले मुंह पे बोलेंगे 2022 में पहले कभी अध्यक्ष हमको बनाया था। PHR वगैरह का वितरण होता है कि नहीं? चिंता ही नहीं है तो बच्चे का एडमिशन तो होगा यहाँ पर कि नहीं? हाँ, होगा तो रजिस्टर में उनका होगा एडमिशन होगा। लेकिन बच्चा सिर्फ रजिस्टर पर ही बच्चा है ना? हाँ।
दो बार तीन बार यहाँ अथी हुआ तो बच्चे को पैसे भी 100 रुपया दे दिया ना, पैसा को फोटो खींच के ले लिया, फोटो खींच के फिर ले लिया वो पैसा। हाँ सुने, ड्रेस भी हो जो होता है दे करके फोटो खींच के फिर ले लेते हैं, खाना भी फिर दे करके क्या क्या चॉकलेट सब दे करके फिर ले लेते हैं। अच्छा, खाली यानी कि मतलब वितरण करके फोटो खींच लिया फिर ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं कोई भी चीज, किताबें देना कपड़ा भी वापस दे लेते हैं, कपड़ा जैसे कि ये सब बच्चा बच्चा है इनको न दे के अपना परिवार के दे दे छे, हां अपना परिवार के दे दे छे, न होय छे तो यही सब होता है। चलिए ठीक, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रामो देवी, मैं 10 वार्ड और 9 वार्ड में सीएम पद पे काम कर रही हूं। गायकी के शौकीनों के लिए शानदार खबर, सुर संसार सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद अब सुर संसार सीजन 2। केबीसी एक बार फिर लेकर आ रहा है आपका मनपसंद गायकी का कंपटीशन सुर संसार सीजन 2। इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप अपनी गायकी और अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको निम्न बातों का अनुसरण करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी आवाज में अपनी पसंद के एक फिल्मी गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर भेज दे। नंबर 2, गाने की रिकॉर्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह का ट्रैक म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ना हो। नंबर 3, गाने को भेजते समय अपना पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और एज का उल्लेख अवश्य करें। साथ में अपना आधार कार्ड भी भेजें। अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और एज को आप गाने के पहले बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। नंबर 5, प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। नंबर 6, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1,00,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर से 14 नंबर तक के 11 विजेताओं को स्पेशल पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नंबर 7, गाना भेजने की अंतिम तारीख 10 जुलाई 2024 है। नंबर 8, प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं होगा। प्रतियोगिता के नियम एवं विजेताओं के निर्णय का अंतिम अधिकार आयोजक केबीसी न्यूज के पास सुरक्षित रहेगा। जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना गाना भेजना है उसे याद रखें, 9297979705, आयोजक केबीसी न्यूज कटिहार। प्रतियोगिता के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारे केबीसी न्यूज कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर है 06452242601 और 06452242700।